नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाद की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। खिलचीपुर में शिवलिंग हटाने से एक ही धर्म के दो गुट में तनाव हो गया। आपको बता दें, बरेली की तहसील नवाबगंज के गांव खिलचीपुर की प्रधान गोमती देवी के समर्थकों द्वारा कैनाल विभाग की भूमि पर रखी शिवलिंग को हटाने से दूसरे गुट ने विरोध किया और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार के नेतृत्व में एक दर्जन ग्रामीणों के साथ नवाबगंज कोतवाल धनंजय सिंह से शिकायत की। कोतवाल ने मामला गंभीरता से देखते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। और आपको आगे बताते चलें, इसी गांव के रहने वाले महेंद्र पाल ने ग्राम प्रधान की शिकायत करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार के नेतृत्व में दर्जन भर ग्रामीणों के साथ महेंद्र पाल नवाबगंज पहुंचे थे। उनका कहना था, गांव के प्रधान पति ने अपनी हट धर्मता दिखाते हुए मेरी निजी भूमि पर नाला खुदवा कर उसमें पानी छोड़ दिया है। गांव में घड़े बंदी होने के कारण प्रधान दूसरे धड़े से मिलकर मेरी निजी भूमि पर यह कार्य कर रहे हैं। महेंद्र पाल ने संपूर्ण समाधान दिवस में भी एसडीएम नवाबगंज की शिकायत की। एसडीएम ने राजस्व विभाग के लेखपाल को जांच करने का आदेश भी दिया है। महेंद्र पाल के मुताबिक लेखपाल ने नाला बनाना गलत पाया और अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम नवाबगंज को सौंप दी। एसडीएम नवाबगंज ने 13 सितंबर को नाला रोकने का आदेश दिया, लेकिन गांव के प्रधान गोमती देवी के पति द्वारका प्रसाद ने गांव के कुछ लोगों की मदद से उनकी निजी भूमि पर सामाजिक निर्माणाधीन मंदिर पर भगवान शिवलिंग की मूर्ति थी, जिसे प्रधान ने कुछ लोगों की मदद से शिवलिंग की मूर्ति हटवा दिया और नाले को दोबारा खोदकर बम्बा डाल दिया। अब पूरे गांव का पानी उन्हीं की निजी भूमि पर होकर निकलता है। उन्होंने आगे बताया कि मजबूरन उन्हें विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार की मदद लेनी पड़ी। वहीं ग्राम प्रधान गोमती देवी के पति द्वारका प्रसाद ने बताया कि महेंद्र पाल गुट के लोग कैनाल विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की नियत से बिना किसी की परमिशन के शिवलिंग को रख दिए हैं, जिसे उन्होंने सम्मान और आस्था के साथ उठाकर रख दिया। उनका कहना था, पहले यह निजी भूमि पर पानी के निकास को लेकर था, लेकिन अब इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि सभी जानते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल बिना जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं बन सकता। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। लेखपाल रामचंद्र आए थे, उन्होंने कहा जांच में क्या कहा? उन्होंने जांच में कहा था ग्राम प्रधान पर रिश्वत का आरोप लगा दिया। मेरे पास वीडियो भी है। क्या लगाया? कि आपने इनसे पैसे खा लिए हैं। लेखपाल के माने नहीं उन्होंने ग्राम प्रधान ने। प्रधान कैसे किस किस्म के आदमी है? प्रधान सर दबंग किस्म का आदमी है, गरीबों को आपस में लड़वाता है और दबंगी मतलब गुंडागर्दी। कोई भी कार्य पुलिस वुलिस क्या कह रहे थे? पुलिस वगैरह मतलब उन्होंने दरोगा जी से बात हुई थी हल्कान चार से, उन्होंने कहा कि हमने मना करा प्रधान से, प्रधान माने नहीं। और हल्कान चार नितिन कुमार शर्मा दरोगा जी वो आए थे? आए थे हमारे पीछे, तो आए पीछे आए थे, हमारे सामने नहीं आए थे। पानी है पूरा, पूरे गाँव का ही समझिए, तालाब वगैरह सब बंद कर रखे, नदी है पीछे, नदी में डलवाइए पानी। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहता हूँ नाला अगर बने तो उसका पानी का समाधान करा जाए पहले। खेती में फसल है? फसल है, सब खड़ी है सर, धान वगैरह खड़े हैं, धान है, गन्ना वगैरह भी है। अभी तक कोई अधिकारी गाँव में आए नहीं? आए अधिकारी वगैरह तो कोई भी नहीं आया, मतलब थाने वाले बोले आए थे, उन्होंने मना कर दिया। 13 तारीख को आदेश पास हुआ था और कल सुबह ही सुबह। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या इच्छा ये है सर, नाला नहीं बनवाया जाएगा, नाला बनवाया था। ये दिख रहा है सामने, कौन प्रधान जी? द्वारका प्रसाद, उन्होंने नाला बनवाया। ये मंगल दल की ग्राम सभा जगह पड़ी हुई है, इसमें पानी डलवा दिया था पहले। और एक जो तालाब बना हुआ है गाटा संघ 233, उसमें पहले आता था 100 साल पहले लगभग जाकर। अब जो पानी सर किसका? ये तालाब का है सर, यहाँ पे। अच्छा, तालाब के नाम रजिस्टर्ड है। वो तालाब में सर मकान बनवा लिए लोगों ने, कब्जे कर लिए उस पर। अब क्या मामला? जो मंदिर वाली समस्या,
ये तालाब रकबा तो है 0.089 हेक्टर वाला। मामला ये है सर, यहाँ से लगभग करीब 100 मीटर लगभग गुहिल है सिंचाई विभाग की, तो इसमें ग्राम प्रधान नाले गांव का पानी खोलना चाह रहे हैं। इसमें कौन प्रधान मौजूदा? मौजूदा गोमती देवी है, पति द्वारका प्रसाद। अच्छा, तो इसमें जो नाला वाला हम निर्माण करना चाह रहे हैं, इसमें मैंने शिकायत दर्ज की, तो उसमें एसडीएम साहब ने आदेश भी पास कर दिया 13 तारीख को। नाले को लेकर आपको आपत्ति है? आपत्ति है सर, इसका पानी कहाँ जाएगा? मतलब कोई निकास नहीं पानी पानी का सर, आगे कोई तालाब वगैरह कोई भी नहीं है। एसडीएम साहब ने इस पर आदेश भी किया था कि तत्काल नाला रोका जाए। पानी सर मेरे खेत में जा रहा है। ये शिवलिंग है जी? हाँ शिवलिंग है। पहले नाला इस साइड में था, बिल्कुल खोदा था जाता, ये शिवलिंग हटा के अब नाला पार कर दिया गया है। तुम्हारे गांव वाले क्या विरोध किया है शिवलिंग उठाई? विरोध विरोध कुछ भी नहीं किया सर, जमीन मेरी है सर। जमीन किसी की आपत्ति? जी सर। अच्छा, मंदिर आपने मतलब मेरा है सर, मेरा। पूजा करती क्या? पूजा भी करते हैं सब लोग। सब लोगों से दुख हुआ है? हाँ दुख हुआ है सर। भंडारे भी होते हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं। स्थापना करके क्या करा? भंडारा भी करवाया? भंडारा भी करवाया था सर, दिन में 8 बार, हफ्ता में 2 बार भजन करवाता हूँ। बहुत बड़े लोगों को बुलाता हूँ, लोगों को द्वारका प्रसाद। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत अख्तियारपुर नवदिया लगती है, गांव खिलचीपुर लगता है, मजरा गांव। प्रधान है? प्रधान मेरी पत्नी है, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, ये मामला में जो मामला चल रहा है कि नाला निजी जमीन में आपने खोदा है, उसके बाद शिवलिंग को हटा दिया गया, ये क्या मामला पूरा? नहीं, ये झूठी शिकायत दे रहे हैं। नाला हम नहीं बनवा रहे हैं अभी, जो PW रोड बना है उस पे रोड से ही नाली खुदी हुई है, जो रोड बना था उसी को हमने साफ सफाई करके गांव के लोगों को पानी की व्यवस्था कर दी है, जो गंदगी हो रही थी। और नाला उला अभी कोई नहीं बन रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। नहीं, एक आरोप उनका उधार में गए शिवलिंग उन्होंने हटवाया है, क्या वो शिवलिंग इनकी निजी जमीन में था? इनका ये कहना शिवलिंग निजी जमीन में था। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं लगी है, जो इन्होंने मूर्तियाँ लगाई हैं वो इनके गाटा संख्या 249 में है, आज भी लगी हुई हैं और अब भी हैं। शिवलिंग नहीं लगाई बल्कि लगाकर हुआ ग्राम समाज की नाली है, जो पानी का निकास और रोड पर जो कब्जा करना चाहते हैं उसके माध्यम से, कब्जा करना धार्मिक यानी भगवान के नाम पर उसको जो है कब्जा करना चाहते हैं।